There are a few more important terms like Newtonian fluid and non-Newtonian fluid. So what is a Newtonian fluid? When stress is directly proportional to rate of strain, then it is known as Newtonian fluid. यानी अगर आप एक ग्राफ प्लॉट करें स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान और वो आपको एक इंक्लाइन लाइन दे 45 डिग्री पे स्ट्रेट लाइन आ रही है आपकी, यानी कि बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशनशिप है स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान, तो ऐसे फ्लूड को आप न्यूटोनियन फ्लूड कहेंगे, अदरवाइज दैट विल बी नॉन न्यूटोनियन फ्लूड. न्यूटोनियन फ्लूड की बेस्ट एग्जाम्पल है वाटर. अ फ्लूड दैट फ्लोज लाइक वाटर, इट्स स्ट्रेस वर्सेज रेट ऑफ स्ट्रेन कर्व इज लीनियर एंड पासिस थ्रू द ओरिजिन. Constant of proportionality is known as viscosity. Simple equation to describe Newtonian fluid behavior is tau equals mu du over dy. इसको हमने अभी अभी डिस्कस किया है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है. जो लिक्विड इस रिलेशनशिप को फॉलो करेगा उसको हम न्यूटोनियन फ्लूड कहेंगे. tau is shear stress, mu is dynamic viscosity or absolute viscosity or coefficient of viscosity or simply viscosity. And du over dy is velocity gradient. ये आपके सामने ग्राफ है, इससे आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा. ये आपने du over dy है x एक्सिस पे और शीयर स्ट्रेस है y एक्सिस पे. आपने ग्राफ प्लॉट किया, ये ओरिजिन से पास कर रहा है और स्ट्रेट लाइन है 45 डिग्री पे, तो दिस इज़ न्यूटोनियन फ्लूड. ये कर्व में आ रही है नॉन न्यूटोनियन फ्लूड. जो आइडियल फ्लूड होगा, जिसकी मैंने अभी आपको डेफिनेशन बताई थी कि जिसमें विस्कोसिटी ज़ीरो है, जब विस्कोसिटी ज़ीरो है तो डेफिनेटली शीयर स्ट्रेस ज़ीरो है, और शीयर स्ट्रेस ज़ीरो है तो वाई एक्सिस पे कोई वैल्यू नहीं होगी, इट विल लाई ऑन एक्स एक्सिस. सो आइडियल फ्लूड यहाँ पे लाई कर रहा है. दिस इज आइडियल प्लास्टिक एंड दिस लाइन इज़ फॉर इलास्टिक सॉलिड. तो हमारा जो ज़्यादा कंसर्न होगा वो न्यूटोनियन फ्लूड को हमने ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करना है. हेयर इज़ अ सिंपल एग्जांपल, इसको हम सॉल्व करते हैं. इससे आपको थोड़ा सा विस्कोसिटीज़ जो डिफरेंट पढ़ी हैं आपने, उनका जो रिलेशनशिप है वो आप इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे, और यूनिट कन्वर्जन किस तरीके से करनी है ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी. सो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन इज फाइंड द काइनेमैटिक विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इन स्टोक्स हुज स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 0.85 एंड डायनेमिक विस्कोसिटी इज 0.015 पॉइस. आपको डायनामिक विस्कोसिटी गिवन है, स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है, और आपसे काइनेमैटिक विस्कोसिटी पूछी गई है. इसके लिए सिंपल रिलेशनशिप हम यूज़ करेंगे. ये दो टाइप्स ऑफ विस्कोसिटी का रिलेशन हमने अभी अभी पढ़ा है, न्यू इक्वल्स म्यू ओवर रो. रिलेशनशिप सिंपल है, सिर्फ इसमें आपने यूनिट कन्वर्जन की इन्वॉल्वमेंट जो आ रही है उसको चेक करना है. आपको यहाँ पे डिराइव्ड यूनिट दिया हुआ है डायनामिक विस्कोसिटी का, पॉइस. म्यू इक्वल्स टू 0.015 पॉइस. जैसे हमने रिलेशनशिप पढ़ा था दैट वन पॉइस इज इक्वल्स टू 0.1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर. सो वी विल मल्टीप्लाई दिस विद 0.1 टू कन्वर्ट द डिराइव्ड यूनिट्स इनटू स्टैंडर्ड यूनिट्स. सो आंसर कम्स आउट टू बी 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर. स्पेसिफिक ग्रेविटी की डेफिनेशन हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. इट्स रेशियो ऑफ डेंसिटी, और इट कैन बी आल्सो एक्सप्रेस एज रेशियो ऑफ स्पेसिफिक वेट्स. तो अगर हम डेंसिटी वाली डेफिनेशन को लेके चलें, कोई भी आप लें, आपका आंसर सेम आएगा. सो एस इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर, और डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू एस इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर. अगर आप स्पेसिफिक वेट लेके चलेंगे तो आपको गामा इक्वल्स टू रो जी करके दोबारा से रो कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा क्योंकि फार्मूले में आपने रो यूज़ करना है. इसलिए बेटर है कि आप यही वाली डेफिनेशन अडॉप्ट करें. सो रो इक्वल्स स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 0.85 मल्टीप्लाई डेंसिटी ऑफ वाटर. ये मैंने आपको लास्ट जो हमारा डिस्कशन सेशन हुआ था आपसे कहा था कि आपने मैंने आपको कुछ वैल्यूज़ बताई थी, कहा था इनको बोल्ड लेटर्स में लिखें और इनको ज़बानी याद कर लें. तो आपको एकदम से टिप्स पे याद होना चाहिए कि एसआई सिस्टम में
वाटर की डेंसिटी की वैल्यू है 1000 kg पर क्यूबिक मीटर। सो आप फ़ौरन से यहाँ पे एंटर कर देंगे 0.85 × 1000 एंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड द डिस्कशन कम्स आउट टू बी 850 kg पर क्यूबिक मीटर। नाउ मूविंग टूअर्ड्स द सोल्यूशन, काइनेमेटिक विस्कोसिटी न्यू इक्वल्स म्यू ओवर रो। म्यू हमने अभी स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट कर लिया 1.5 × 10⁻³। डेंसिटी भी हमारी स्टैंडर्ड यूनिट में है डिवाइड बाई 850। जब हम इसको वर्कआउट करेंगे आंसर कम्स आउट टू बी 1.76 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्योंकि म्यू भी स्टैंडर्ड यूनिट थे, डेंसिटी के भी स्टैंडर्ड यूनिट्स थे, तो आंसर काइनेमेटिक विस्कोसिटी का भी स्टैंडर्ड यूनिट में ही आएगा। नहीं, जो आपके स्टैंडर्ड यूनिट में आंसर आया उसको आपने डिराइव्ड यूनिट में कन्वर्ट करना है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में डिमांड थी कि आप काइनेमेटिक विस्कोसिटी का आंसर स्टोक्स में बताएं। सो अभी हमने रिलेशनशिप स्टडी किया है लास्ट स्लाइड में। ये आपने देखा था कि 1 stroke इज इक्वल टू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सो इस रिलेशनशिप को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे 1.76 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड को मल्टीप्लाई कर दें 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। आंसर आपका आ जाएगा 1.76 × 10⁻²  स्टोक्स। सो यू कैन फाइंड मोर रिलेटेड क्वेश्चंस इन द बुक ऑफ फ्लूड मैकेनिक्स विद इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस बाय फिनमोर एंड फ्रेंजनी और इन अदर बुक्स विच आई हैव टोल्ड यू इन फर्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट टर्म इज सरफेस टेंशन। व्हाट इज सरफेस टेंशन? बिफोर डिफाइनिंग इट वी विल डिफाइन टू मोर टर्म्स, दीज आर कोहेशन एंड एडहेशन। कोहेशन इज अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सरफेस एंड एडहेशन इज अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स एट डिफरेंट सरफेसेस। So cohesion enables liquid to resist tensile stresses and adhesion enables to adhere to another body. For example, एक ग्लास है, उसके अंदर पानी है। जो पानी है यानी कि जो वाटर है उसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो आपस में अट्रैक्शन है, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है, उसे आप cohesion बोलेंगे। और जो वाटर और ग्लास के मॉलिक्यूल्स के दरमियान मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है, दो डिफरेंट मटीरियल्स हैं, तो इसको आप adhesion बोलेंगे। एडहेशन की वजह से वाटर जो है वो ग्लास के साथ जो है स्टिक करेगा या ग्लास में ऊपर की तरफ राइज करेगा। अभी हम डिस्कस करेंगे कि वो मेनिस्कस किस तरीके के बनेंगे, कैनकेव मेनिस्कस को होगा या कन्वेक्स मेनिस्कस को होगा और मेनिस्कस होता क्या है। पहले हम सरफेस टेंशन को डिफाइन कर लेते हैं। सरफेस टेंशन क्या है कि आपके पास अगर दो डिफरेंट लिक्विड्स हैं जो इमिसिबल हैं, इमिसिबल मीन्स कि जो मिक्स ना हो सकते हो, या एक लिक्विड और एक गैस है, तो उनके इंटरफेस पे, इंटरफेस किसको कहते हैं, वो पॉइंट जहाँ पे वो दोनों ज्वाइन हो रहे होते हैं, तो इंटरफेस पे कुछ अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी मॉलिक्यूल्स के दरमियान। वो अट्रैक्टिव फोर्सेस एक इमेजिनरी सरफेस फिल्म क्रिएट कर देती हैं जो सरफेस के ऊपर टेंशन फोर्स एग्जर्ट करती हैं। इस लिक्विड प्रॉपर्टी को सरफेस टेंशन कहते हैं। एट इंटरफेस बिटवीन लिक्विड एंड अ गैस, that is at the liquid surface, and at the interface between two immiscible liquids, the attraction force between molecules form an imaginary surface film which exerts a tension force in the surface. This liquid property is known as surface tension. As a result of surface tension, the liquid surface has a tendency to reduce its surface as small as possible. That is why the water droplets assume a nearly spherical shape. Now next terms are capillary rise, capillarity and meniscus. Capillary rise kya hai? Capillary rise is phenomena of rising water in the tube of smaller diameter. Capillarity is property of exerting forces on fluids by fine tubes or porous media. It is due to both cohesion and adhesion. कैपिलैरिटी मेक्स वाटर राइज इन ग्लास ट्यूब ड्यू टू एडहेशन, जैसे मैंने अभी कहा था, वाइल मर्करी डिप्रेसेस बिलो द ट्रू लेवल। व्हाट इज मेनिस्कस? कर्व्ड लिक्विड सरफेस दैट डेवलप्स इन अ
ट्यूब। ये आप देख रहे हैं एक बीकर है और इसमें ये कुछ कैपिलरीज इंसर्ट हैं, एक बीकर में वाटर है और नेक्स्ट बीकर में मर्करी है। कैपिलरी एक्शंस है, ये वाटर इसमें राइज कर रहा है और इसकी वाटर की प्रॉपर्टीज़ ऐसी है कि ये कनकेव शेप बनाएगा, कनकेव मिनिस्कस, कर्व शेप को मिनिस्कस बोलते हैं, कनकेव हो सकती है या कन्वेक्स हो सकती है। तो वाटर की प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं कि वो कनकेव मिनिस्कस फॉलो करेगा और जो मरकरी है वो कन्वेक्स मिनिस्कस फॉलो कर रही है। हेयर इज कैपिलरी अट्रैक्शन एंड हेयर इज कैपिलरी रिपल्शन। तो जो कैपिलैरिटी का फिनोमेना है फ्लूड के साथ साथ, जब आप सॉइल मैकेनिक्स को स्टडी करेंगे उसमें आप देखेंगे सॉइल में कैपिलरी राइज और कैपिलैरिटी का की जो इम्पोर्टेंस है वो किस तरीके से है। पोरस मीडिया है, उसमें कैपिलरी एक्शंस हो रहे हैं, वाटर लेवल किस तरीके से, अंडरग्राउंड वाटर लेवल, उन सब चीज़ों को आप स्टडी करेंगे। इसके अलावा फ्लूड में भी इसकी सेम इम्पोर्टेंस है, कैपिलरी राइज एंड कैपिलैरिटी। सो सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन का सिंबल, जिस तरीके से हमने पहले सारी फ्लूड प्रॉपर्टीज़ के सिंबल्स डिस्कस किए हैं, उनके यूनिट्स डिस्कस किए हैं, इसी तरीके से हम सरफेस टेंशन को भी स्टडी करेंगे। सरफेस टेंशन का सिंबल है सिग्मा और इसके यूनिट्स होंगे फोर्स पर यूनिट लेंथ, यानी न्यूटन पर मीटर या पाउंड पर फीट। टू कंप्यूट कैपिलरी राइज और डिप्रेशन, फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज यूज, एच इक्वल्स टू सिग्मा कॉस थीटा और गैमा आर। एच इज कैपिलरी राइज, ये फिगर आपके सामने कैपिलरी है, कैपिलरी ट्यूब है, नीचे कोई भी आपका वाटर सोर्स है, बीकर है, कोई भी कंटेनर है, उसमें कैपिलरी इंसर्ट की है। एच इज कैपिलरी राइज, सिग्मा इज सरफेस टेंशन इन यूनिट्स ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ, थीटा इज वेटिंग एंगल, ये आप देख रहे हैं जो मेनिस्कस बन रहा है और ये कैपिलरी, इसके दरमियान एंगल आ रहा है थीटा। गैमा हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इस स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड, इसके यूनिट से भी आप फेमिलियर हैं। आर इज रेडियस ऑफ दिस कैपिलरी ट्यूब, दिस इज आर। इफ ट्यूब इज क्लीन देन थीटा इज 0 degree फॉर वाटर एंड 140 degree फॉर मर्करी। Now let's solve an example related to surface tension. Water at 10 degree centigrade stands in a clean glass tube of 2 millimeter diameter at a height of 35 millimeter. What is the true static height? So you all are familiar with the specific weight of water, but if a particular temperature is mentioned, then you have to check the values of specific weight and density and other fluid properties from the appendix at the end of the book or from table A1. So against 10 degree centigrade, specific weight of water is 9804 newton per cubic meter and surface tension is 0.0742 newton per meter. For clean glass tube, as I have told you that theta is 0 degree, and by using the formula H equals 2 sigma cos theta over gamma R, and by entering the values of sigma as 0.0742, cos theta comes out to be 1 as theta is 0 degree, gamma 9804 and R 0.001 as diameter is 2 millimeter, radius will be half, one, that is 1 millimeter, and converting millimeter into meter gives 0.001. So H is 0.01514 meter or 15.14 millimeter, and from here true static height will be calculated as 35 minus 15.14 equals 19.86 millimeter. So in the end of these slides, there are some unit conversions are given. You can go through it. From millimeter to inches, centimeter to inches, and similar related conversions of length and volume, and there are some pressure unit conversion, mass unit conversion, area and volume unit conversions. So there you can go through it. You can also use your calculators back cover.
And here are some dimensions and different parameters in SI unit, BG unit, and conversion factor. So this was the last topic of fluid properties. In next lecture, we will discuss some concepts about fluid statics.